क्या कहा तुमने? अरे उसके आने से पहाड़ भी टूट जाता है, उसका नाम सुनते ही बिना गांड वाले की भी गांड पड़ जाए। अरे उसका नाम सुनते ही चर्चगेट स्टेशन का नाम बदल के चर्चगेट स्टेशन से मंदिर गेट स्टेशन हो जाता है। अरे उसका नाम सुनते ही चीटी भी हाथी का अंडरवेयर पहनने लग जाती है। मत लो उसका नाम। बस ऐसे ही तेलुगु पैन इंडिया फिल्म ईगल स्टारिंग रवि तेजा की फिल्म की शुरुआत होती है एंड पूरे फिल्म में यही चलता है। प्लस 25 बार एंट्री पे एंट्री कराते जाते रवि तेजा का वो अलग। जी हाँ गाइस, आप लोगों को बता दूं, ईगल एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म को ग्रैंड रिलीज मिला है। थैंक गॉड पूरे मुंबई में सिर्फ 2 ही थिएटर में लगा है। उस थिएटर को ढूंढना मतलब जंगल से निकल के शहर में घास ढूंढने के बराबर था। मतलब बाकी के मेकर्स ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते, ये ऑडियंस से ही स्ट्रगल करवाते। मैं जिस थिएटर में रात को 11 बजे पहुंचा वहां पर शो चालू होने को ही नाम नहीं था। फिर कैसे तो करके 3 जन भटके हुए आए थे तो मैंने उनको बोला कि आ जाओ तुमको रवि तेजा साहब की ईगल मूवी दिखाता हूं। थैंक गॉड फिल्म कैसे तो करके वो लोगों ने स्टार्ट कर दिया। फिर वही 3 जन एक और जन को ढूंढते ताकि वो 4 जन मिलकर मेरे को कंधा दे सके कि साले तूने ये क्या दिखा दिया। एनीवेज अगर मैं ईगल सहदेव इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा कि यस गुंटूर कारम इज मास्टरपीस। ईगल इज वन टाइम वॉच फिल्म एंड स्ट्रिक्टली फॉर रवि तेजा फैंस। डायरेक्टर इतना ज्यादा KGF के वर्ल्ड में घुसे है, पबजी के वर्ल्ड में घुसे है कि यार सबसे पहले तो उनका मोबाइल छीन लो। कुछ ओरिजिनलिटी देखने को मिलता नहीं है बट एक दो सीन्स मास एक्शन सीन्स जो आपको सेकंड हाफ में देखने मिलेंगे वो काफी हाई ऑक्टेन नजर आता है। वहीं पर थोड़ा ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब खुद का कुछ कर रहे हैं इतनी बड़ी प्रोडक्शन लेके। वरना बाकी आप देखोगे तो आपको रवि तेजा की पुरानी फिल्में याद आ जाएगी। बस वो एक ही एक्शन शॉट मेरे को एकदम भारी लगा, वो था वो काली माता वाला जो गन वाला सीन था। ओ हो हो, दैट वॉज एक्सीलेंट। बाकी यार मैं ये सोच रहा हूँ कि रवि तेजा इज अ गुड एक्टर, उसकी एनर्जी इस फिल्म में देख लोगे आपको मजा आ जाएगा। लेकिन जो टाइप की वो स्क्रिप्ट चूज करते जा रहे हैं वो अपना देखो अभी कमबैक ढूंढ रहे हैं, जैसे मैं उनकी फिल्म के लिए ऑडियंस ढूंढ रहा हूं यही हो जाता है। अब देखो इस फिल्म में किसी भी चीज की कमी नहीं थी सिवाय बुद्धि के, क्योंकि आपको प्रोडक्शन वैल्यू अच्छा देखने मिल जाएगा, सेट्स अच्छा देखने मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी देखने मिल जाएगी एंड कास्ट एंड क्रू तो एकदम बराबर एकदम देखने मिल जाएगा। लेकिन जो स्टोरी रहती है वो कहीं ना कहीं एकदम मजाक लगता है एंड ऐसा लगता है कि यार ये क्यों देख रहा हूं मैं। यार एक सीन था जहां पर रवि तेजा हीरोइन को कैसे छेड़ते वाले में स्नाइपिंग कर करके उसके आजू बाजू गोली मार रहे, उसको बचा रहे, जिसका मन जा रहे उसका पैर ठोक दे रहे एंड वो लड़की बाद में बोलती है कि थोड़ा इधर गोली मारो ना, थोड़ा उधर गोली मारो ना। अरे डायरेक्टर साहब आप तो निकले KGF का बाप। अरे भाई साहब अगर ऐसा प्यार में हम राइफल चलाए ना तो प्यार की माँ का झोपड़ा अलग हो जाए और पुलिस आतंकवादी ठहरा दे हमें वो अलग। ऊपर से रवि तेजा के कैरेक्टर को इतना ही ज्यादा स्मार्ट दिखा दिया कि भाई साहब अगर तुम उसके पास आ रहे हो तो उसको पहले ही मालूम पड़ जाता कि तू क्यों आ रहा है, तू कौन है और तू कब गोली चलाएगा। जब मैं बाहर निकलूंगा तू तब गोली नहीं चलाएगा क्योंकि मैं हीरो हूं तू गांडू है, लेकिन जब मैं अंदर जाऊंगा तो तू बंदूक लेके आएगा तो भी मैं तेरे को पकड़ लूंगा। अरे डायरेक्टर साहब कोई तो उसको टक्कर लेने लायक दिखाओ जिसको देख के हम मजा ले। फर्स्ट हाफ तो मानो कुछ भी नहीं है, सेकंड हाफ में तो मानो एक दो एक्शन सीन अच्छे हैं, बस यही समझ लो कि फिल्म इंटरेस्टिंग हो ही नहीं पाती। ना तो नीतीश कुमार जैसा कोई ट्विस्ट है, ना ही पूनम पांडे जैसा कोई झटका। ऊपर से 2 घंटा 40 मिनट की फिल्म है जिसमें से अगर मैं स्लो मोशन निकाल दूं तो सिर्फ 40 मिनट की ही फिल्म बचेगी जिसको देखकर आप शॉर्ट फिल्म डिक्लेयर कर सकते हो। और फिल्म के अंदर 2 गाने भी है जिसको सुनकर आप अपना स्पॉटिफाई का प्रीमियर कैंसिल करा सकते हो। और रवि तेजा का ही परफॉर्मेंस अच्छा है जिसके वजह से फिल्म बचती है, जिसके वजह से देखने को मजा आता है, थोड़ा बहुत एनर्जी फील होता है, गूज़बम्प फील होता है, बाकी ठंडा। लेकिन मेरे को सरप्राइज तब फील होता है जब एंड में मेरे को पता चलता है कि ईगल पार्ट 2 भी आने वाला है। वाह ना वाह वाह ना वाह 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 क्या कर दिया आपने भाई, वाह वाह वाह। ओवरऑल ईगल इज स्ट्रिक्टली फॉर रवि तेजा फैंस, आप देखकर भूल जाओ ऐसी फिल्म है। ऊपर से पैन इंडिया पे आइए तो चुपके से आइए, चुपके से चले जाने तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं दूंगा 2 out of 5 star, रवि तेजा के परफॉर्मेंस को 4 out of 5 star, बाकी फिल्म क्या बोलूं मैं। अगर सब्सक्राइब करने का इच्छा रहे तो कर देना वरना कोई बात नहीं। बाय।